ये हम देख सकते हो, कार स्टार्ट हो गई है। हेलो दोस्तों, टेक्निकल आमिर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मर्सिडीज़ बेंज क्लास A45 AMG कार का मॉड इंस्टॉल करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करें। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस कार मॉड को इंस्टॉल करने के लिए आपको सिर्फ OpenAV की ज़रूरत होगी। उसका इंस्टॉलेशन का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। OpenAV को इंस्टॉल कर लीजिए। OpenAV को इंस्टॉल करने के बाद इस कार मॉड को डाउनलोड कर लीजिए। इसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस कार मोड को डाउनलोड करने के बाद आपको ऐसा दिखाई देगा, इसको एक्सट्रैक्ट कीजिए। एक्सट्रैक्ट करने के बाद एक फोल्डर आएगा, उसको ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद और एक फोल्डर आएगा, उसको भी ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद ऐड ऑन में जाइए, उसके बाद फाइल्स में जाइए, उसके बाद GTFI मेन फोल्डर को ओपन कीजिए। GTFI मेन फोल्डर को ओपन करने के बाद मॉड्स का फोल्डर दिख रहा है ना, उसको ओपन कीजिए। अगर आपके पास मॉड्स का फोल्डर नहीं है तो क्रिएट कीजिए। मॉड्स के फोल्डर को क्रिएट करने के बाद इस अपडेट फोल्डर को कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद मॉड्स के फोल्डर में पेस्ट कीजिए। मॉड्स के फोल्डर को क्रिएट करने के बाद इस मॉड फोल्डर को ओपन कीजिए। उसके बाद अपडेट में जाइए, उसके बाद XCC4 DLC पैक्स। उसके बाद यहाँ आपको एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना होगा। यहाँ एक न्यू फोल्डर क्रिएट कीजिए। इस फोल्डर का नेम आपको रखना होगा A45 AMG, A45 AMG। इस फोल्डर को क्रिएट करने के बाद इस फोल्डर को ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद एक्स्ट्रा किया वो फोल्डर पर आ जाइए। आने के बाद यहाँ DLC.RPF की एक फाइल मिल जाएगी। इस फाइल को अभी क्रिएट किया सब फोल्डर में ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद GTFI मेन फोल्डर को क्लोज कीजिए। उसके बाद एक्स्ट्रा किया वो फोल्डर पर बैक जाइए। बैक आने के बाद यहाँ इंस्ट्रक्शन का एक चेंज कमेंट दिख रहा है ना, उसको ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद यहाँ आपको एक लाइन मिलेगी, आइटम DLC पैक्स A45 AMG आइटम। इस लाइन को कॉपी कीजिए। इस लाइन को कॉपी करने के बाद बैक जाइए। बैक आने के बाद OpenAV को ओपन कीजिए। OpenAV ओपन होने के बाद एडिट मोड पे क्लिक कीजिए। यस, उसके बाद मॉड्स में जाइए। उसके बाद अपडेट, update.rpf, कॉमन डाटा। उसके बाद नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ DLC List XML का एक टेक्स्ट दिख रहा है ना, टेक्स्ट को राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद एडिट में जाइए। एडिट में जाने के बाद नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ लास्ट में कॉपी की हुई लाइन को पेस्ट कीजिए। कॉपी की हुई लाइन को लास्ट में पेस्ट करने के बाद सेव कीजिए। तो दोस्तों, हमारा इंस्टॉलेशन हो चुका है, डन। चलो अब GTFI ओपन करते हैं। तो दोस्तों, GTFI ओपन करने के बाद आप कौन से भी ट्रेनर से इस कार को स्पॉन कर सकते हो। यहाँ आपको इस कार का मॉडल है, आपको मैनुअली टाइप करना होगा। A45 AMG इतना टाइप करने के बाद एंटर कीजिए। तो दोस्तों, हम देख सकते हो मर्सिडीज़ बेंज क्लास कार आ गई है। ये हम देख सकते हो। ये हम देख सकते हो, कार आ गई है। ये हम देख सकते हो इस कार का इंटीरियर। मर्सिडीज़ का लोगो, A45 की बैजिंग, AMG की बैजिंग। चलो अब हम इस कार को ले लेते हैं।
मैं आपको इस कार का साउंड फिर से सुना देता हूँ। ये हम देख सकते हो कार स्टार्ट हो गई है। इसके हेडलाइट्स मैं आपका इसका इंटीरियर भी दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हो इस कार का इंटीरियर। चलो मैं इस कार के सब डोर्स को ओपन कर देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हो मैंने इस कार के सब डोर्स को ओपन कर दिया है। यहाँ आप देख सकते हो इस कार का इंजन। चलो मैं इस कार के सब डोर्स को क्लोज कर देता हूँ। चलो अब हम इस कार का नाइट का लुक देख लेते हैं कि हम देख सकते हो इस कार का नाइट का लुक। इसके हेडलाइट्स, इसके इंडिकेटर्स, चलो अब हम इस कार का साउंड और इस कार की टॉप स्पीड को टेस्ट करते हैं। वन थर्टी, वन फोर्टी, वन फिफ्टी, वन सिक्सटी, वन सेवेंटी, वन सेवेंटी टू। ब्रेक्स, ब्रेक्स भी मस्त है। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।